गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव की पराजय के कारणों पर आज चर्चा करते हैं। जब शेरशाह और मालदेव की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई कि बिना युद्ध के इन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना संभव नहीं था, तो जब इन महत्वाकांक्षाओं के मध्य टकराव शुरू हुआ और उस टकराव की परिणति था या 4 जनवरी 1544 ईस्वी के गिरी सुमेल के युद्ध में देखने को मिला। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की जीत हुई और इसमें मालदेव की पराजय के क्या कारण थे, मालदेव इस युद्ध में क्यों पराजित हुआ, इन पराजय के कारणों में हम देखें तो हम ये पाते हैं कि गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव की महत्वाकांक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था, परंतु इस युद्ध में उसकी पराजय ने उसके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया। ये वास्तव में उसकी प्रथम पराजय थी जिसने उसकी पूर्णकालीन सभी विजयों पर पानी फेर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि इस युद्ध में मालदेव की पराजय क्यों हुई। अगर हम गौर से देखें तो इस पराजय का कोई एक निश्चित कारण नहीं था, बल्कि इसके अनेक कारण उत्तरदायी थे। सबसे पहले हम देखें तो एक पराजय का एक कारण हम ये कह सकते हैं कि पड़ोसी राज्यों से शत्रुता। मालदेव की पराजय के कारणों में पड़ोसी राज्यों के साथ उसके शत्रुतापूर्ण संबंधों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध से पहले उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अनेक युद्ध किए थे और राजपुताना के अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, फलतः ये सभी राज उसके शत्रु बन गए। इस प्रकार के शत्रुओं में मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के कल्याणमल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यदि इन राज्यों के साथ मालदेव के मित्रतापूर्ण संबंध होते तो संभवतः उसे शेरशाह के विरुद्ध इन राज्यों से सैनिक सहायता प्राप्त हो सकती थी, परंतु ऐसा नहीं हो सका। पड़ोसी राज्यों के इस असहयोग ने उसकी पराजय को निश्चित किया। एक कारण शेरशाह की छलकपट की नीति। मालदेव से युद्ध करने के लिए शेरशाह ने बहुत सारी तैयारियां की थी। उसने विशाल सेना का संगठन किया था और सोच समझकर जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए अपना मार्ग निश्चित किया था, परंतु जब उसने बावरा नाम के स्थान पर अपना पड़ाव डाला तब वह मालदेव की सेना को देखकर मन ही मन आशंकित हो उठा। यही कारण था कि एक मास तक उसने मालदेव पर आक्रमण नहीं किया। अंततः उसने सफलता प्राप्त करने के लिए छल कपट का सहारा लिया। उसने मालदेव के पड़ाव के चारों ओर जाली पत्र डलवा दिए, जिससे मालदेव के मन में अपने विश्वास पात्र और योग्य सेना नायकों के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया और वह बिना युद्ध किए ही युद्ध क्षेत्र से भागने के लिए बाध्य हुआ। इस प्रकार छलकपट ने शेरशाह की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। मालदेव की पराजय का एक कारण शेरशाह द्वारा तोपखाने का प्रयोग। शेरशाह मालदेव से युद्ध करने के लिए 80,000 सैनिकों की एक विशाल सेना और तोपखाना लेकर आया था। उसकी सेना आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित थी, जबकि मालदेव की सेना के पास परंपरागत शस्त्र थे। यहाँ तक कि उसकी युद्ध नीति भी पूर्णतः परंपरागत थी। यही कारण है कि मालदेव की सेना पराक्रमी और साहसी होने के बावजूद शेरशाह के शक्तिशाली तोपखाने का सामना नहीं कर सकी और पराजित हुई। एक कारण हम ये जान सकते हैं कि जलाल खां लुहानी का युद्ध के मैदान में आगमन। शेरशाह की विजय और मालदेव की पराजय का ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि जलाल खां लुहानी का युद्ध क्षेत्र में आ जाना, क्योंकि कुंपा और जेता जैसे सेना नायकों के नेतृत्व में राजपूत सेना ने अफगान सेना से भीषण संघर्ष किया और उसे पराजय के निकट लापटका।
परंतु इस समय जबकि युद्ध निर्णायक की स्थिति में था, शेरशाह का एक सेनानायक जलाल खां लुहानी अतिरिक्त सेना लेकर शेरशाह की सहायता के लिए आ गया। इस सेना ने राजपूत सैनिकों को चारों ओर से घेर लिया और वे परास्त हो गए। मालदेव की पराजय का एक कारण था मालदेव के सैनिकों का रात्रि में आक्रमण। ये एक महत्वपूर्ण कारण था क्योंकि उसके सैनिकों की दोषपूर्ण युद्ध नीति थी। मालदेव के सैनिकों ने शेरशाह को पराजित करने के लिए उसके सैनिक पड़ाव पर रात्रि में आक्रमण करने की योजना बनाई। दुर्भाग्यवश वे रात के अंधेरे में शेरशाह के सैनिक शिविर तक नहीं पहुंच सके और अपने लक्ष्य में असफल रहे। बीरमदेव ने रात्रि के समय आक्रमण की संभावना को ध्यान में रखते हुए सैनिक पड़ाव का स्थान बदल दिया था और फलते मालदेव की सेना को शेरशाह से युद्ध करने के लिए प्रातःकाल की प्रतीक्षा करनी पड़ी और वह पराजित हो गई। और इस तरीके से मालदेव जैसे शासक को इस युद्ध में पराजित होना पड़ा। और इस पराजय के जो ये कई सारे जो कारण थे, इन कारणों के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि एक कुछ समय बाद में जब मालदेव शेरशाह से पराजित हो जाता है और जब कालिंजर अभियान के दौरान उसकी मृत्यु, खासकर शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, तो मालदेव द्वारा पुनः अपनी शक्ति को संचय करने के प्रयास करता है और पुनः जोधपुर पर मालदेव का अधिकार स्थापित हो जाता है। किंतु गिरि सुमेल युद्ध में मालदेव की पराजय एक बहुत बड़ी बात थी और पराजय के जो ये कारण थे, उन पराजय के कारणों के कारण ही मालदेव पराजित हुआ।